आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी ऐसे पुलाव की रेसिपी जिसे कोई भी तैयार कर सकता है, वो भी मिनटों में। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जिससे कि आपका पुलाव खिला खिला बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। सबसे खास बात तो इसमें ये है कि ये सिंपल से घर के मसालों से पुलाव बनने वाला है और इस पुलाव में एकदम बिरयानी का फ्लेवर आ जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो पूरा वॉच करिएगा और मैं पक्का बोलती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला और ये पुलाव देखने के बाद आप बार बार यही पुलाव बनाना चाहेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ आप सबकी विशाखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विशाखा की दुनिया में। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही झटपट वेज मसाला पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 ग्लास ले रखा हुआ है राइस। इसको अच्छे से पहले हम वॉश कर लेंगे और साथ में मैंने यहाँ ले रखी है कुछ वेजीज। ये मटर है, इसमें गोभी है, बीन्स है, गाजर है, प्याज है, टमाटर है, आलू है। यहाँ पे आप अपनी पसंद की वेजीज ले सकते हैं, अगर इसमें कुछ ना पसंद हो उसको स्किप कर सकते हैं। चलिए फिर पहले अच्छे से राइस को वॉश कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने राइस को धुल के 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पे हल्दी और साथ में थोड़ा सा यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस ट्रिक को जरूर फॉलो करिएगा, इससे आपके जो मसाला पुलाव है बहुत ही टेस्टी बनेंगे और कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ जिससे कि हल्दी घी नमक चावल में मिक्स हो जाए और इनको भिगो के नहीं रखना है, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और साइड में रख देंगे, तब तक अपनी वेजीज को हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं घी और तेल दोनों का यूज़ करूँगी जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ तेल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ घी का भी। सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ी हींग डाल देंगे और साथ में डाल देंगे तेज पत्ता। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ जीरा। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी पहले तो अनियन, इसको पहले हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और साथ में इसमें सारी वेजीज को हम ऐड कर देंगे जिससे कि सब अच्छे से टाइमली पक जाए। इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, हम इसको पका लेंगे। नमक से क्या होगा कि जो सब्जियां हमारी हैं हल्की सी गल जाएंगी। अब इसको यहां मैं कवर करके 5 मिनट के लिए सब्जी को अच्छे से कुक होने दूंगी। हमारी वेजीज की आप देख सकते हैं काफी हद तक कुक हो चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। अगर आपके यहाँ तीखी चिलीज है तो एक ही डालिए, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 से 4 डाल दी है। अब यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालूंगी रेड चिली पाउडर और साथ में डालूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर और साथ में डाल देंगे गरम मसाला। और अब मैं डालूंगी बिरयानी मसाला। अगर आपके पास ये हो तो बिल्कुल डालिएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक ऑलरेडी हम डाल चुके हैं काफ़ी, तो यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार आप नमक मिला सकते हैं। और तो इन मसालों को अच्छे से पहले मिला लेंगे और हल्दी यहाँ बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि चावल में ऑलरेडी हम हल्दी मिला चुके हैं। यहाँ मसालों को पहले तो मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पे जो हमारे मसाले थे वो भी अच्छे से भून चुके हैं, तो यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए और उसको कवर करके रखूंगी जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से पक जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे कवर करके रखेंगे। अब यहाँ पे अपने जो राइस थे इनको हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे वेजीज में राइस को। यहाँ पे हम राइस को भी 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। जो हमारे राइस है इनको भी अच्छे से भून लेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए राइस को भी भूनूंगी इन वेजीज के साथ। यहाँ पे राइस को भी अच्छे से भून लिया है, यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। पानी हमें इतना ऐड करना है कि जितने भी चावल हमारे हैं वो अच्छे से पानी में डूब जाए। अब यहाँ पे इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए जो हमारा मसाला पुलाव था एकदम बन के रेडी हो चुका है। चलिए फिर इसको सर्व कर देते हैं। ये देखिए कितना खिला खिला बहुत ही टेस्टी बना है।
मुझे तो देख के मैं पानी और खाने का मन कर रहा था। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।